ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर कभी भी अपलोड नहीं की गई है, यानी ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे अलग वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग डोरेमोन के एक ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक टीवी में नहीं आया है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये एपिसोड आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी इस मजेदार हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो आज फिर से स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं है, और जब वो क्लास के अंदर जाता है तो वो देखता है कि हमेशा की तरह सुनियो सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है, शिजुका पढ़ रही होती है और सभी बच्चे अपने में मस्त होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ। और फिर तभी जियान नोबिता के पास आता है और वो नोबिता से कहता है कि मैंने एक नया गाना बनाया है और मैं उस गाने को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम सुनना पसंद करोगे। और जब नोबिता इसके लिए मना करता है तो जिया नोबिता को बहुत मारता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और हमेशा की तरह रोते हुए डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि डोरेमोन तो घर पर है ही नहीं। और फिर नोबिता को अपने कमरे में एक गैजेट मिलता है जिस पर एक तरफ लिखा हुआ था हेवन यानी स्वर्ग और एक तरफ लिखा हुआ था हेल यानी नर्क। नोबिता को डोरेमोन की कवर्ड के पास से डोरेमोन की 4D पॉकेट भी मिलती है और ये बात नोबिता को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि डोरेमोन कभी भी अपनी किसी भी चीज को ऐसे ही कहीं भी छोड़कर नहीं जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन की पॉकेट में से अपने लिए एक गैजेट ढूंढने लगता है जिससे वो जियान से बदला ले सके, लेकिन उसे कोई भी अच्छा गैजेट नहीं मिलता है। फिर नोबिता उस गैजेट को देखता है जिस पर स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ था। उस गैजेट में एक रेड कलर का बटन था और आपको तो पता ही है कि नोबिता बिना सोचे समझे डोरेमोन के गैजेट का यूज करता है, इसलिए वो रेड कलर के बटन को दबा देता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही नोबिता उस बटन को दबाता है वैसे ही उसके आसपास सन्नाटा छा जाता है। जो चिड़िया नोबिता के घर के बाहर शोर कर रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। पूरी दुनिया एक अजीब तरह की दुनिया बन जाती है। नोबिता को दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब नोबिता बैम्बूकॉप्टर की मदद से पूरे शहर को देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। नोबिता प्लेग्राउंड में जाता है लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि पहले जिस जगह पर उसका प्लेग्राउंड था वहाँ पर अब वो प्लेग्राउंड है ही नहीं। इसके बाद नोबिता अपने स्कूल जाता है लेकिन उसका स्कूल अब एक टूटा फूटा खंडर बन चुका था। और यहाँ पर नोबिता को ये भी पता चलता है कि उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी जिस पर नोबिता अक्सर जाया करता था वो वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। और इन सभी चीजों को देखकर नोबिता का मुंह फटा के फटा रह जाता है। और यहाँ पर नोबिता को ये भी लग रहा था कि या तो वो समय में आगे आ चुका है या फिर वो किसी अलग ही दुनिया में है। और नोबिता को ये भी समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये सब उसी गैजेट की वजह से हुआ है। इसके बाद नोबिता अपने घर आ रहा होता है लेकिन तभी उसे एक जगह पर लोगों की एक बहुत लंबी लाइन दिखती है जो एक कब्रिस्तान टाइप की जगह के अंदर जा रहे होते हैं एक एक करके। और उस कब्रिस्तान के आगे दो रास्ते होते हैं जिनमें से एक रास्ता हेवन यानी स्वर्ग का था और दूसरा रास्ता हेल यानी नर्क की ओर जा रहा था। नोबिता देखता है कि कुछ लोग स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग नर्क की ओर। और जब नोबिता उस लाइन के पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उस लाइन में और कोई नहीं बल्कि नोबिता के दोस्त रिश्तेदार और उसके आस पड़ोस के लोग थे। और नोबिता ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उस लाइन में जो भी लोग थे उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, यानी वो बिना कपड़ों के लाइन में खड़े हुए थे और उनकी उम्र भी नोबिता से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, मींस वो सब बूढ़े हो चुके थे और वो बहुत डरावने दिख रहे थे। अब नोबिता बिना कुछ सोचे समझे उस लाइन में जाकर लग जाता है और जब वो लाइन से निकलने की कोशिश करता है तो वो नहीं निकल पाता है, यानी अब नोबिता उस लाइन में फंस चुका था। अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद नोबिता का भी नंबर आ जाता है। यहाँ पर नोबिता को स्वर्ग और नर्क के रास्ते में से किसी एक रास्ते को चुनना था, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि नोबिता को पता नहीं था कि आखिर हेल और हीवन का मतलब क्या होता है। और इसी कारण की वजह से नोबिता हेल यानी नर्क के रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन नोबिता जैसे ही एक कदम बढ़ाता ही है वैसे ही वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता को उस लाइन से बाहर खींच लेता है। और फिर डोरेमोन जल्दी से नोबिता के पास जो 4D पॉकेट थी उसमें से उस गैजेट को निकालता है जिसकी
जिसकी वजह से ये सब हो रहा था और उसे बंद कर देता है और फिर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर ये सब था क्या। इस पर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये सब इस गैजेट की वजह से हो रहा था। इस गैजेट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान नर्क में जाएगा या फिर स्वर्ग में, और इस गैजेट की मदद से हम अपने मन मुताबिक डिसीजन लेकर स्वर्ग या फिर नर्क में जा सकते हैं। और डोरेमोन ये भी बताता है कि नोबिता तुम नर्क के रास्ते पर जा रहे थे और अगर तुम नर्क में चले जाते तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी और खतरनाक चीजें होती और तुम्हें नर्क में बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता। और फिर डोरेमोन कहता है कि ये गैजेट बहुत खतरनाक है। और फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर वो गया कहाँ था, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वो फ्यूचर में गया था। और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड को बैन करने का मेन रीजन वो वाला सीन था जिसमें लायन के सारे लोग उस कब्रिस्तान के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आप मुझको कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों हॉरर वीडियोस को भी देख सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।